नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बूंदी बनाएंगे। इसके लिए ये देखिए, मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है। अब हम इसको घोल के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको हमें एक पतला घोल बनाना है। देखिए, हमने घोल लिया। अब इसको हम लगातार फेंटेंगे। 5 मिनट तक इसको हमें लगातार फेंटना है, जब तक ये बिल्कुल फ्लफी नहीं हो जाती है। इस तरह से फेंटेंगे, और जितना हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, उतनी हमारी बूंदी बढ़िया बनकर के तैयार होगी। इसी तरह से हम लगातार फेंटेंगे। ये देखिए, इसको 5 मिनट तक लगातार इसको फेंटा है, और ये बिल्कुल फिटकर तैयार हो गया। हमें इस तरह का देखिए बेसन चाहिए। ये देखिए, इस तरह से अगर करते, ये देखिए, इस तरह से हमारा इतना पतला और फेंटा हुआ, 5 मिनट तक लगातार फेंटा, एकदम फ्लफी हो जाए, तो ये देखिए इस तरह का तैयार हुआ। हम बनाना शुरू करेंगे। कढ़ाई में अब घी डालेंगे। ये देखिए, हम देसी घी में बना रहे हैं बूंदी को। इस तरह से ये देखिए, मैंने इसमें घी डाल दिया। घी हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें ये देखिए इस तरह से हमको डाल देंगे। बिल्कुल आराम से इसको इसी तरह से करे रहेंगे, अपने आप इसमें से ही गिरती रहेगी। देखिए, बिल्कुल गोल गोल बूंदी बनकर के तैयार हुई है। देखिए, इसको इसी तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए, हमारी ये तैयार हो गई है। हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, देखिए ये हमने बूंदी निकाल ली है। देखिए कितनी गोल गोल, कितनी बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। इसी तरह से मोर बना लेंगे। ये देखिए, हमारी सभी बूंदी बना के हमने तैयार कर ली है। बहुत ही बढ़िया, एकदम क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई है, गोल गोल। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।